सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि टेक्नोलॉजी के हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। डिलीट द फेसबुक, डिलीट द फेसबुक, फेसबुक डिलीट कर दो भाई। तो क्यों करे फेसबुक डिलीट? फेसबुक डिलीट कर दो। ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल टेक्सेल चैनल। तो ठीक है गाइज, शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले तो गाइज, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेसी की। तो फेसबुक ने प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ रखी नहीं है, ठीक है। सारा डाटा आपका सेल कर दिया है, मतलब आपका सारा डाटा स्टोर हो रहा है फेसबुक पे, जो कि प्राइवेसी की बात आए तो प्राइवेसी बची नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लें। तो सेटिंग में जाके आप देखेंगे, सबसे नीचे यहाँ पे है डाउनलोड ए कॉपी ऑफ योर फेसबुक डाटा, यहाँ पे क्लिक करो। तो यहाँ पे आपका सारा ही डाटा है, आपने किससे किसे क्या मैसेज सेंड किया है, कब किस फोन से, किस ऑपरेटिंग सिस्टम से, किस मोबाइल से आपने फेसबुक लॉगिन करी है, सारा डाटा, क्या आपका आईपी एड्रेस था, क्या मैसेज आपने किसको सेंड किया था, कब आपने किसको फ्रेंड रिक्वेस्ट करी थी, कब किसने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट करी थी, कब आपने कौन सी फ़ोटो अपलोड करी थी। चाहे वो फ़ोटो आप डिलीट भी कर दिया है, फिर भी फेसबुक के सर्वर डाटा पे वो फ़ोटो होगी, ठीक है। क्या आपने वीडियो को, सपोज करो अगर ये सारा डाटा आपका किसी को सेल कर दिया जाता है तो प्राइवेसी तो ख़त्म है ना। तो यही हुआ है गाइज, फेसबुक ने यही डाटा अपना सेल कर दिया हुआ है। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग तो बोल रहे हैं कि डाटा चोरी नहीं हुआ है, पर ये डाटा सारा चोरी हो चुका है, ठीक। एक्चुअल में रियलिटी ये है कि फेसबुक ने ही वो डाटा सेल करा था। अब मार्क जुकरबर्ग चाहे जो मर्जी वीडियोज दें, तो सबसे पहले एक मार्क जुकरबर्ग की 2009 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। उन्होंने बोला था कि मैं डाटा सेल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। So who is going to own the Facebook content? The person who puts it there or you? The person who's putting the content on Facebook always owns the information, and that's why this is such an important thing and why Facebook is such a special service that people feel a lot of ownership over, right? This is their information, they own it. And you won't sell it? They often want to... No, of course not. ठीक है गाइस, तो अगर आप भी अपना सारा डाटा देखना चाहते हैं तो जैसे सेटिंग पे क्लिक करके डाउनलोड अर्चीव पे करें, कुछ स्टेप फॉलो करने के लिए बोलेगा, आपके अकाउंट को वेरीफाई करेगा, आपका पासवर्ड मांगेगा, मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ, फिर आपको कन्फर्मेशन मेल आएगी जो मेरी हो चुकी है, डिपेंड करता है कि आपका डाटा कितना था। तो ये देखिए सेव करने के लिए आ रहा है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद गाइस देखते हैं, तो ऐसा कुछ ये विनरार फाइल है तो ऐसे ओपन होगी। तो ये देखिए सारी फ़ोटोज़ जो भी आज तक मेरी है, ये सारे मेरे मैसेजेस, ऑडियो मैसेजेस, ठीक है। अगर HTML में ओपन करके देखें तो ये देखिए सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करी गई है फेसबुक के पास। ये देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, टाइमलाइन, फेसबुक फ्रेंड्स, ये देखिए कब मैंने किसको फ्रेंड को सेंड करी है 15 दिसंबर 2016, कब किसने मुझे करी है 27 अप्रैल 2017, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इवेंट्स, क्या क्या मैसेज किसने मुझे किए हैं, इवेंट सिक्योरिटी, कब आपने किस अकाउंट से लॉगिन किया है, सारा का सारा डाटा गाइज, सारे के सारे आपके ही नहीं जबकि आपके सारे फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट्स सब कुछ फेसबुक में स्टोर है और ये सारा डाटा सेल कर दिया गया है। तो प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं बची है, इसलिए हैशटैग्स आ रहे हैं कि फेसबुक को डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। अब मैं आपको बताता हूँ कि फेसबुक को क्यों डिलीट करें, ये सारे डाटे से आपको क्या लॉस है। सबसे पहले तो प्राइवेसी ख़त्म हो गई है, आपके पर्सनल मैसेजेस सेल करे जा रहे हैं। दूसरी बात बताऊँ तो अब होता है क्या है कि अगर आपके इंटरेस्ट, आपकी ये चीज़ें, सारी बातें, आपकी कन्वर्सेशंस अगर कोई पढ़ ले, ये एडवर्टाइजर्स क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, जिनके पास ये सारा डाटा बेचा गया है या सेल करा जाता है, ये आपको इंटरेस्ट को देख के वैसे ही एड्स आपको शो करेंगे। जैसे आप कोई घर लेने के इच्छुक हैं तो आपको सारे लोन से रिलेटेड एड्स आएंगी, मतलब इससे एडवर्टाइजर्स का फ़ायदा हो रहा है और आपकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़। तो फेसबुक को डिलीट करना होगा, इट्स टाइम टू डिलीट फेसबुक। आप लोगों को अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूँ, 2014 में एक एप्लीकेशन आई थी, दिस इज माई डिजिटल लाइफ, ठीक है। तो
तो फेसबुक से लॉगिन होती थी ये, वैसे तो गूगल से भी, तो बड़े सारे यूजर्स इसको फेसबुक से लॉगिन करते थे। इससे क्या होता था, ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थी ये फेसबुक से डाटा ले लेती थी, ठीक है। गाइज अब तो काफ़ी ट्रोल्स भी आ रहे हैं इस पर, जैसे कि मैं अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर रहा था तो क्या हो रहा है देखिए। आ रहे हैं, मैं आपको ट्वीट्स दिखा देता हूँ, काफी मोटिवेशनल वीडियोस आ रहे हैं कि आप फेसबुक डिलीट कर दोगे तो कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप मैं कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आएंगे। सबसे पहले तो अपनी प्राइवेसी के बारे में सोचो यार, आपकी ही नहीं सबकी प्राइवेसी बारे में, आपके फ्रेंड्स की प्राइवेसी लीक हो चुकी है सब किया है। तो गाइज होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप भी फेसबुक डिलीट करने वाले होंगे, अगर देख लो अगर कुछ चेंजेस आती हैं फेसबुक में आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड, मतलब कि फेसबुक कुछ स्टेप्स लेता है तो ठीक है, वरना आप कर सकते हैं कुछ भी। ओके गाइज टिल देन बाय।